कि 3 बजे डॉक्टर के पास लेके जा रहे टाइसन को, टाइसन इज नॉट वेल। हेलो एवरीवन, रात के 3 बज रहा है और मैं अभी उठ गई हूँ। मैं सो कर ही थी, अचानक से मैं उठी तो देखा टाइसन का तबीयत ख़राब है, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं उसको लेके अभी डॉक्टर के पास फटाफट जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है और उसको मैं घर पे नहीं रखूँगी। सुबह का वेट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बाबू को प्रॉब्लम है तो फिर नहीं, एकदम भी नहीं। तो टाइसन को और टॉम को दोनों को साथ में लेके जाऊँगी। चलो चलो, स्लो स्लो स्टॉप। चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, टाइसन कम, डोंट डू दिस, कम स्टॉप। टाइसन को मैं विदाउट लेस लेके आ रही थी ना, तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा रोक रहती हूँ। इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो बहुत बड़ा डॉग है ना, जर्मन शेपर्ड है, तो बिल्डिंग में भी कोई जब आना जाना जब देखता है ना, वो लोग ऐसे रिएक्ट करता है, मतलब तो मुझे बहुत डर लगता है। और मेरे पास ऑलरेडी टॉम था गोदी में, तो मैं किसको संभालती। तो जो भी हो, देखो पूरा सन्नाटा है, क्या रात के 3 बजे कौन ही रहेगा। और टॉम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, क्योंकि वो बाहर तो नहीं निकलता है। टाइसन को आदत है बाहर निकलने का, टॉम को एकदम भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मैं उसको थोड़ा सा, मतलब अपने मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल करवाने की कोशिश कर रही हूँ। और आ गई हूँ 24/7 पेट हॉस्पिटल, अंदर जाके देखते हैं। और ये हॉस्पिटल मतलब फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, क्योंकि इसका और एक ब्रांच है वो वहाँ पे बंद हो गया है, तो यहाँ पे ये लोग ओपन किया है। टाइसन को लेके मैं हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो पेट है ना, मेरा टाइसन है। और एक टाइम मतलब मैं जब हॉस्टल और पीजी में जब रहती थी, उसके बाद मैंने जब फ्लैट में शिफ्ट किया, तो मैं अकेला रहने में डरती थी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे टाइसन को गिफ्ट किया था। टाइसन एक गिफ्ट है मेरे लिए, यस, मैंने खुद से नहीं लिया था टाइसन को, टाइसन ने, मेरा बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए वो जर्मन शेपर्ड दिया था मुझे। हाँ, क्योंकि वो खुद लड़का है, तो लड़कों लोगों को जर्मन शेपर्ड अच्छे लगते हैं। तो टाइसन ऐसा मुझे गार्ड करके रखता है, और मतलब मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। उसको कभी कुछ होना नहीं चाहिए, बस वो हमेशा ठीक रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। तो ये सारे मेडिसिन दिया, हम लोग घर आ गए हैं, सॉरी। आके फिर थोड़ा सा सो गए थे हम लोग। और दोनों भाई का प्यार देखो, टाइसन का तबीयत ख़राब है तो टॉम उसको कितना अकेला भी नहीं छोड़ रहा है, पूछ से पूछ सटा के बैठा हुआ है। और टाइसन के साथ ये हो रहा है, सुसु से उसका हल्का सा खून निकल रहा है। तो अब फिर से यही हुआ है, अब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। टाइसन को लेके जा रही हूँ डॉक्टर। ये रहा टाइसन, चलो आ जाओ, कम कम कम, अच्छा अच्छा अच्छा, गुड बाय बेटा, मेरा जान बैठा दिया। तारिक प्यार कर रहा है, तारिक को भी दिखा देते। ट्रैफिक में अटक गए हैं भाई इतना देर से, और ओला वाला भैया को ना पिकअप नहीं ले रहे थे, तो मैंने उनको बोला जो भी आपका बिल होगा उससे मैं बढ़ा के दे दूंगी, तो वो लेके आए, क्योंकि डॉग को ओला वाले भैया लेते नहीं है, बड़ा डॉग है ना। तो टाइसन अभी देखो कितना अच्छे से बैठा हुआ है, डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा है, कुछ कुछ टेस्ट था वो भी करा है डॉक्टर ने। तो मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ ठीक है, बस कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेडिसिन दिया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और उसका अभी नेल कट हो रहा है बाबू का, और वो नेल कट करने में बहुत डरता है। रुको, आप लोग दिख जाएगा कि क्या करता है। तो मैंने
उसको ना, मैं ना थोड़ा सा जब मुझे कुछ बोलना होता है, जब बात नहीं मतलब थोड़ा सा इधर उधर होता है तो थोड़ा सा भारी आवाज़ में मुझे उसको बोलना पड़ता है, तो सुन लेता है और बहुत ज़्यादा डरता है, हाथ नहीं देगा पर छीन लेता है। तो मैंने बोला यहीं पर कट कर ले, अभी देखो शांत होकर बैठ गया है, उसका हो गया है, मैंने बुकिंग कर लिया है। और ये वाला न्यू हॉस्पिटल है और कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो हम लोग निकल गए, अब घर जा रहे हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। टाइसन अभी ठीक है, आके सो गया है, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ और डॉक्टर ने बोला अभी ठीक है। और टाइसन को कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉग नहीं है, मेरा जान है, मेरा बच्चा है, खुद का मेरा औलाद जैसा होता है वैसा है दोनों। तो जो भी हो अभी ठीक है, आप लोग भी दुआ कीजिए ताकि मेरा बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वीडियो में यहीं पे एंड कर रही हूँ, कल से मैं बहुत टेंशन में थी, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ।